टू बाय न्यू ब्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज मैं सो के उठी थी और जस्ट अभी नहा के आई हूँ शाम के 5:30 बजे। मुझे कोई याद कर रहा है क्या रही है। शाम के 5:30 बज रहे हैं और नोना को भी लेके आए हुए थे। तो नोना कहाँ चली गई थी तू वशु? अच्छा तो गाइज नोना भी है, नोना भी सो गई थी, नोना के साथ मैं भी सो गई। तो इसलिए आप नहा के आई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों का आतंक। कब आते आधे बच्चे ये रे, बाकी इन दोनों ने यहाँ तक बचा रखा है। निन्नू आ जाओ अंदर आ जाओ। चलो दीदी बॉटल लेके फेंक दो उसके हाथ से। चलो ट्रैक्टर दे मार लेगी अपने। चिची है चिची ट्रैक्टर फेंक दी। जाओ बाहर चले जाओ। जब मैं जा रही हूँ मेकअप करने बिकॉज मुझे रील्स वगैरह बनानी थी। तो मेकअप करने के लिए पहले तो अपनी स्किन ना नेचुरल हेल्दी होनी चाहिए, जो कि मेरी तो अब बहुत ज़्यादा हेल्दी है। मैंने नहाने के बाद अभी कुछ भी लोशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। मुझे हिचकी आ रही है, शायद कोई याद कर रहा है, इसे इग्नोर करना। और बस मैंने क्योर स्किन के फेस वॉश से अपना फेस वॉश करा है बिकॉज मैं वही यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है समर में फेस की एक्स्ट्रा केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समर में बहुत ज़्यादा धूल डस्ट और क्या कहते हैं धूप इतनी होती है ना कि आपके फेस पर डायरेक्ट इफेक्ट देती है। आप मेरा फेस देख सकते हैं विदाउट मेकअप एंड बिफोर मेकअप। मेरा फेस ये है ओरिजिनल विदाउट फिल्टर्स। तो ये सारी क्योर स्किन की मेहरबानी है क्योंकि मैं उनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मतलब एक रूटीन में ही यूज़ कर रही हूँ। अब मैं घर पर ही हूँ तो मेरे प्रोडक्ट्स सारे रूटीन में यूज़ हो रहे हैं। तो अब मैं जा रही हूँ मेकअप करने। हम आपसे मिलेंगे मेकअप के बाद। पर मैंने सोचा विदाउट मेकअप अपनी स्किन दिखा दूँ ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए और मैं आपको आगे आगे सारी चीज़ें बताऊँगी। क्योंकि मैंने क्योर स्किन के बारे में इतनी बार बता दिया पर फिर भी नए नए लोग जुड़ते हैं तो मुझसे पूछते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको क्लियर करती रहूँगी। जो जो आपके डाउट्स हैं आप कमेंट कर सकते हो। बाकी क्योर स्किन आप कितना अच्छा है वो आप मेरे फेस पे देख सकते हो। विदाउट फिल्टर होता है ब्लॉग, आप लोगों को ये चीज़ पता ही होगी। तो आप देख सकते हो मेकअप जब भी हमारे फेस पर अच्छा लगेगा जब पहले से हमारी स्किन हेल्दी होगी। तो मेरी तो अब हेल्दी हो चुकी है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो भी डॉक्टर्स मुझे बताते हैं वो सब चीज़ें फॉलो करती हूँ। चलो मेकअप में मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक लिप शेड यूज़ करा है और अपना थोड़ा सा टिंट वगैरह लगाती हूँ मैं। और मैंने क्योर स्किन का ही सनस्क्रीन लगा लिया इसी टाइम और लोशन भी है मेरे पास। तो जैसे मैं अभी छत पर रील्स बनाने गई थी तो मैंने लगा लिया। लोशन यूज़ कर लेती हूँ उसी के ऊपर। मैं सिर्फ थोड़ा सा ब्लश और लिपस्टिक यूज़ करती हूँ बिकॉज जब आपकी स्किन नेचुरली हेल्दी होती है तो आपको बहुत सारा मेकअप यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। थोड़े से मेकअप में आपकी स्किन अच्छी लगने लगती है। तो अगर आप भी चाहते हो मेरी तरह अपनी स्किन, जो लोग बोलते हैं कि हाँ मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे तो दिख रहा है, आप लोगों को भी दिखेगा। मैं अपना अभी का एनालाइज भी एक लगा दूंगी बिफोर एंड आफ्टर, यहाँ पर आप लोग देख लेना। और फिर बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि दी हम चैट नहीं कर पाते। तो गाइस इसमें कोई भी चैट में मुश्किल चीज़ नहीं है। ऐप डाउनलोड करते ही आपको ऑप्शंस आ जाते हैं, आप अपनी लैंग्वेज खुद से चूज कर सकते हैं जिस लैंग्वेज में आप मतलब बात कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश एंड अदर सारी लैंग्वेज होती है तो आप वहाँ से अपनी लैंग्वेज पहले ही सिलेक्ट कर सकते हो। डॉक्टर से बात करने के लिए लैंग्वेज सेलेक्ट करते ही आपकी डॉक्टर से बात होगी, आपका फेस एनालाइज होगा। डॉक्टर से चैट करना बहुत ईजी है। डॉक्टर आपसे खुद क्वेश्चंस करते हैं, आपको नहीं खुद से उन्हें सब चीज़ बतानी, वो खुद से एनालाइज कर लेंगे, खुद से आपका फेस स्कैन कर लेंगे और खुद से आपसे पूछेंगे कि आप न्यूली मैरिड तो नहीं हो, न्यूली मदर तो नहीं हो, मतलब हर चीज़ें पूछेंगे क्योंकि ये चीज़ें भी ना बहुत हद तक हमारी बॉडी पर इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो बात करना बहुत ज़्यादा ईजी है, प्रोडक्ट्स मंगाना बहुत ज़्यादा ईजी है। मतलब ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्या होती है हमारे फेस पर ना, एक्ने की प्रॉब्लम होती है। दो तीन प्रॉब्लम्स हैं जो हमें पता होती है, डार्क सर्कल्स हैं, एक्ने है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो ना हम खुद नहीं देख पाते हमारे फेस पर। पर ये है कि जो ब्रांड के अंदर ऐप के अंदर जो स्कैनिंग होती है या फिर जो एनालाइज कह सकते हैं उसे, उस एनालाइज में डॉक्टर्स सारी प्रॉब्लम्स निकाल लेते हैं जो आप नहीं निकाल पाते। और उस प्रॉब्लम्स को देखने के बाद ही आपके लिए किट कस्टमाइज होती है और फिर उसे यूज़ कर आप देख सकते हो। मेरे को कम से कम एक साल से ऊपर हो गया ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए। इतने ज़्यादा जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि मैं खुद यूज़ कर रही हूँ पर्सनली, मेरे हस्बैंड भी यूज़ करते हैं, आपको पता है पम्मी भी ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, हेयर किट भी है मेरे पास, बहुत जल्दी आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी इतनी अच्छी स्किन या फिर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ऐप के अंदर सब चीज़ें बताई हुई होती हैं, कितना अमाउंट में प्रोडक्ट यूज़ करना है, डाइट चार्ट दिया जाता है। अभी मेरे दो तीन दिन पहले डॉक्टर से बात हुई थी तो मैं उसका जो डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्रिप्शन वगैरह दिया था वो सब मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे लगा देती हूँ स्क्रीनशॉट, आप लोग देख लेना। तो डॉक्टर्स आपसे भी, सिर्फ मुझसे ही नहीं कि मैं यूज़ कर रही हूँ, हर एक बंदे से 10 से 15 दिन में फॉलोअप लिया जाता है
ऐप के थ्रू भी लिया जाता है, ऐप में चैट करके भी लिया जाता है, कॉल भी आती है कि आपके प्रोडक्ट्स कैसे आप यूज़ कर रहे हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें भी इनफैक्ट आपको ऐप में बताई जाएंगी कि आप कितने अमाउंट में यूज़ करो, कैसे यूज़ करो। तो अगर आप अब तक क्योर स्किन के प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो जाओ एक बार जल्दी से, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने लिए प्रोडक्ट यूज़ करके देखो। बिकॉज अगर आप लोग पूछते हो कि कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो मैं आपको टू बी फ्रैंक ओपनली बता रही हूँ कि मैं क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। मेरे लास्ट व्लॉग में मैं सारी किट आपको दिखा चुकी हूँ, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको वहाँ से जाके ऐप डाउनलोड करना है और कोड यूज़ करना है Prerna275। ये स्टार्टिंग के 100 यूजर्स के लिए जो जाकर मेरा कोड यूज़ कर ऐप डाउनलोड करेंगे, मतलब किट ऑर्डर करेंगे, उन्हें उनकी फर्स्ट किट पर डिस्काउंट मिल जाएगा, वो भी 275 रुपीज़ का। तो जाओ जल्दी से कोड यूज़ करो। और डॉक्टर्स ना, मतलब सब चीज़ें फ्री है यार, सब चीज़ें फ्री है। डॉक्टर से बात करना, ऐप के कोई भी फीचर्स यूज़ करना, या फिर आपको जो डाइट चार्ट मिलता है, सबसे अच्छी बात, अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी स्किन अपने आप ग्लो करेगी। तो ग्लोइंग स्किन के लिए सिर्फ आपको एक ऐप यूज़ करना है, जो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी, जो मैं यूज़ करती हूँ क्योर स्किन। तो जाओ जल्दी से डाउनलोड। इतने सारे बच्चे हैं क्योंकि भाई के घर के भी बच्चे हैं और हमारे भी हैं, तो नोना को वैसे ही बच्चे बहुत पसंद है। ओए उसके आगे ना खिलौने लेके मत आओ बेटा, नहीं बच, बस 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 मेरा बस बस बस। गाइस देखो, जिद्दी देखो, कितना अक्षय जी को छोड़ने, मैं और मम्मी और मैं कुछ तैयार होकर नहीं जा रही है, यही सूट पहन के जा रही हूँ, सिंपल सा और चप्पल, पर ये रेगुलर वियर का सूट है मेरा, अच्छा लग रहा है, मैंने आज ही नया खोला, तो चलो चलते हैं। बाय गाइस, बाय, घर जा रही है, रोएंगी अब। कल दिए हैं और गाड़ी हो गई है लोड, और नोना का दीदी गाने बंद करो, नोना आप भी जा रहे हो नोएडा? नहीं आप वजीराबाद उतरोगे रास्ते में। इसको देखो, नोना को दिख रही है ये भी राजी हो रही है। गाइस बच्चों का बिल्कुल जाने का मन नहीं करता, घर जाना कि नहीं, रुकना यहीं यहीं दिख रहे पशु तो रोने लगती है गाइस हर बार। मच्छर हो गया गाड़ी में, मच्छर ले ले, इससे ले ले पम्मी, देखना हटोरा बजा रही है नोना, हटोरा सॉरी टंग स्लिप हो गई। नोना को छोड़ रहे हैं, नोना को कोमल मिल गई। पम्मी इसका बैग दे दो आगे से, बाय कर दो बुआ को, नोना बाय कर दो, गेट लगा रही है ये लोग। ये आगे पड़ा है, चलो मैं 2 मिनट उतार के आ रही हूँ बस। चलो आप भी आ रहे हो, फिर दीदी को भी ले। पापा तुम कहे कैस, फोन पे कर रहा हूँ, 1000। इतने सारे बच्चे थे मम्मी वहाँ घर पे, सब में सब निचलाए बैठ के खेल खेल के, पर ये नहीं बैठती। आराम बोला था, आराम नहीं कर सकते तुम, क्या करे अब मजबूरी है इनकी। सुनो ना मम्मी, ये देखो, मतलब 8-10 बच्चे हैं, उनमें सबसे ज्यादा तेज यही है। निन्नू बाय, मम्मा जा रही है बिट्टू। तो गाइस निशी वो खड़ी धुंधला रहा शीशा, जय लेकर गई है चिज्जी दुकान है, वो देख रही गाड़ी में ब्लॉग बना रहा हूं। तो अब चलो गाइस इन्हें छोड़ने चलते हैं, यहाँ से हमने लिए जय के लिए चीज, जय पकड़ इतनी भारी। पहले ये बताइए तू क्या कह रहा था गाइस, मेरे से कह रहा, अभी गाड़ी में बैठ के बताऊंगी। पहुंच चुके हैं दीदी के घर और अभी सारा सामान लोड करा ऊपर, और आज गाइस मैंने सोचा था बहुत हिम्मत करके, बट एक्चुअली क्या है ना, जो मीनाक्षी जी के हस्बैंड, आप लोगों ने पिछले वाले ब्लॉग पे यही सब था, मिलवाओ मिलवाओ, तो मैंने सोचा था आज मैं पक्का आप लोगों को मिलवाऊंगी, हिम्मत करके बोलूंगी भाई साहब आज आपको मेरे ब्लॉग में थोड़ा सा अपना चेहरा दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि ना वो बहुत कैमरा शाई हैं जीजू, और उन्हें बिल्कुल ये सब पसंद नहीं है, वीडियो वगैरह कुछ भी, और ना मतलब उनको ये लाइन ही नहीं है, जैसे हमारे घर के सब लोग आ जाते हैं ब्लॉगिंग कर लेते हैं, उनका अपना बिजनेस है, तो उनका वही किराया भाड़ा आ रहा है अपना बिजनेस है, तो उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बट आज मैंने सोचा था फाइनली आपको दिखाऊंगी मिलवाऊंगी, बट आज हमेशा होते हैं, जब भी मैं आती हूँ मैं बस जाती हूँ नमस्ते करके आ जाती हूँ, मुझे उनसे बहुत शर्म आती है, पर आज मैंने सोचा था हिम्मत करके बात करूंगी भाई साहब से और आपकी भी करवाऊंगी, तो आज भाई साहब है ही नहीं घर में, नीचे दूसरी वाली गाड़ी खड़ी है, छोटी वाली गाड़ी नहीं खड़ी, तो भाई साहब वो लेके गए हुए हैं, बुरा हुआ। अब कभी नेक्स्ट टाइम आऊंगी तब हिम्मत करके बात करूंगी। फोटो दिखा देती हूँ, जीजू के रूम में लग रही है, तो ये है जीजू जी, दीदी आज फोटो देख लो, हेरा भाई साहब का नाम सचिन भाटी, और ये भाई साहब जब होंगे तब देखना सामने से भी। घर तो फैल गया दीदी को छोड़ के, और यहाँ पे गलियाँ बहुत छोटी है ना जी, तो गाड़ी निकलने में बड़ी दिक्कत होती है, गली देख सकते हो आप छोटी है,
मेरी दीदी गेट लगा रही है। चलो गाइस अब चलते हैं घर अपने। रुके मार्केट में बिकॉज ना मैंने ना आम देख लिए, मुझे पता नहीं था कि आम आ गए हैं, पर मेरे को ना मार्केट में दिख गए तो मेरा बहुत मन कर रहा है आम खाने का, तो इसलिए हम यहाँ पे आम ले रहे हैं और अंगूर। हम पूरे मुखर्जी नगर कमला नगर घूम लिए, मैंने इनको कहा मम्मी मोमोज खिला रहा हूँ आज। बुलाया मैं कह रहा है ना, मतलब मैं तुम्हें कह रहा हूं ना मिला कुछ। मुखर्जी नगर से ये टर्न लेके वापस कमला नगर आए, बट कहीं मोमोज नहीं मिल रहे गाइस। 24/7 पे मिलते हैं, पर मुझे वहाँ के बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मुझे स्ट्रीट मोमोज अच्छे लगते हैं, बट यहाँ पे सब कुछ बंद हो चुका है और अभी हमें कमला नगर में कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट KFC मैकडी सब बंद हो गया, बस लड़के लड़कियाँ घूम रहे हैं यहाँ पे। इधर भी नहीं मिलेंगे ना मोमोज, ये इतनी रेडियाँ लग रही है, वो खड़े हैं शायद इन पर मिल जाए। ऐसे मैं आपको दिखा रहा हो रहे हैं मोमोज तो यहाँ किसी पर नहीं लग रहे। हाँ वो रिश्ते उठा रहे हैं, मतलब ये तो वो लग रहे हैं पाव भाजी वाजी है ना गाइस। बेकार, सबवे भी बंद हो गया है ऑलमोस्ट, और रॉबिन्स भी बंद हो गया है, सब बंद है, सब बंद है गाइस, क्या करें। 24/7 ओपन है बट मुझे यहाँ के नहीं खाने मोमोज। चलो गाइस फिर हम जा रहे हैं घर, बाय। अभी खाने का नहीं मिला ना, बच 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 बाहर। तो मैं घर आई थी टैटू पे लगाने के लिए जॉनसन बेबी का तेल लेने। बेटा पापा देखो ना इसको क्या हो गया, बच बच बच, ने ने गोदी ले लो। तो गाइस ये लोग खा रहे हैं खाना, डोरेमोन चला रही है। क्या टक्कर की है भिंडी, तो कह रहा है भिंडी मम्मी ने मेरे जितनी स्वाद नहीं बनाई। प्लेट ले जाएगी मम्मी, अभी आगे बोल रहा था नहीं मम्मी को। और गाइस मम्मी ने बोला कि जॉनसन्स बेबी का तेल है मेरे पास तो मैं लेने आई हूँ, क्योंकि कहीं पे मिला नहीं और मेरा टैटू बहुत रेड हो गए हैं। निशी के टक्कर में नहीं, आप कह रही निशी के टक्कर में तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में, इसकी काम ही ऐसे। ये बेइज्जती थी असमत, तो कोई नहीं मैं बेइज्जती भी ऐसी नहीं। तेरा पति आया बाहर बैठा है ब्रांडेड, मैं इस घर से दिन भर जाना चाहती है ना, दो गिलास बादाम शेक मंगा ले शांति में पति से। चल खुद लिया जाके पैसे दे दूंगी। अबे जाओ कहां से, मैं खाना खाने बैठ गए, अब हम जा रहे थे। अच्छा ठीक है खा लो। चिढ़ रही है क्यों, क्या खाने से? नहीं क्योंकि दोनों सब्जी ना मम्मी की फेवरेट है, भिंडी दोनों। टोक लगा रही है क्या? पट्टी खुलेगी ना मम्मी की, तो फिर क्या है? क्यों कल क्या है? खाना बनाऊंगी, मतलब रोज नहीं बनाती क्या? पर क्यों ऐसे ही नवरात्र खुले, इतने दिन पीछे खुले हैं, जब से कौन 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 मांग रहे हैं ऐसा। ये तीनों टंग चुके हैं क्योंकि इन्हें पीना है बादाम शेक, तो पीछे से इन्हें बादाम शेक तो हमने एक ही जगह पिया था, उसके टक्कर हो गई। हाँ बेटे ऊप हो जाओ, दे तो दी चीची। उसके अंदर खोल रही है देखा, उसके अंदर रस मलाई थी पता है, बादाम शेक के अंदर। पम्मी पीछे से आपको चॉकलेट दे रही है खोलने के लिए। गरीब आदमी ने पता नहीं है डबड़ी थी। तो गाइस अब हम इन्हें बादाम शेक पिलाने जा रहे हैं पीछे संगम विहार, और फिर घर जाएंगे। कभी आगे हो जा रहा है कभी पीछे हो जा रहा है, जाएगी सुनने में किसे है जो आगे जा रहा है इच्छा में। इसका नवाब बना देख लो। हाँ क्या बात है, तो स्टाइल देखो, गुनु पैर नहीं लाते, पापा पे कर्जा चढ़ता है क्या है, इतना नवाब किसने बोला है बनने को। चॉकलेट खा रही है पम्मी, देख चला इसे कैसे बैठ के देखना जरा। ओ हेमा मालनी इधर भी खिला आ चल। ये वाली खा ले गुनू, तू ये वाली खा ले, पापा को दे देती हूँ ये, पापा ले लो, पापा ले लो। अभी उसे खा दे, देख रही हूँ उसी की तरफ, खा वाली नहीं सॉरी। जब तक खा रही है तो तेरा दांत ना रहे, जब मैं खाड़ दूंगा तो तेरा दांत खराब हो जाएगा फिर। चल घर, और घर पे सब सो रहे हैं, सिर्फ दिया उठाए हैं वो भी फोन करके गेट खोलने के लिए। पम्मी निकाल रहे हैं गाड़ी में से आम, जो आम लाई थी और बादाम से एक लाई थी, सब सो रहे हैं इसलिए मुझे पता था मैं दो ही लाई थी, एक भैया का और एक पम्मी का। अरे भाई जब हम भी सोएंगे थोड़ी देर में, और मेरा एक पार्सल आया वो देखती हूँ क्या है। पार्सल है गाइस ये, पम्मी जी उठाना एक मिनट, बहुत भारी है यार, उठाओ ना गाइस। ये पार्सल है बहुत भारी है, बैग से दिखाओ, भारी बहुत है तो छोटा पर भारी है, तो अभी देखते हैं इसमें क्या है। बहुत बुरा हुआ है, वाईफाई बंद हो गया हमारा, वाईफाई वाले भैया बता देते पैसे भरने को तो हम पैसे भर देते, पर चल नहीं रहा, पर मम्मी को देखो जरा
मम्मी, मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मी के ना कानों में इन्फेक्शन हो रहा है, पक जाते हैं मम्मी के कान। मम्मी मानती नहीं है क्योंकि चाय पीती है रोज, मीठा भी खाती है। और पता अब मम्मी ना मेरे से लाड़ लड़ा रही है लग रहा है। वाईफाई नहीं चल रहा, मम्मी देख रही थी व्लॉग, देखती रहती है टीवी में, मम्मी को रिमोट चलाना आ गया तो व्लॉग देखती रहती है, और व्लॉग देखती देखती सो जाती है। अब सो गई, देख लो कैसे सो रही है मम्मी। मम्मी कच्चे में घूम रहे हो, हट जाओ वहाँ से, हट जाओ कच्चे में वो आ रहे हो आप। मम्मी ऐसे सो ही पड़ी है। अब क्या करें बिना वाईफाई। एक बच्चों का जैसे कि आपको पता है वाईफाई नहीं चल रहा, मैंने चेंज करा, बट मेरे पास लोअर नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं मेरे लोअर, ख़त्म मतलब ख़राब हो चुके हैं, बहुत पुराने थे, चेंज मैंने कर लिया। अब मैंने इनको बोला है मुझे कल एक दो बहुत सारे लोअर दिला के लाओ, मेरे पास लोअर नहीं है। अब मैंने ये प्लाजो ही पहन रखा है सूट का। मम्मी मेरे को बोल के सोई थी, मतलब बोल के गई थी मेरे लिए कॉफ़ी बना दें, अब मैं गई हूँ कॉफ़ी बनाने, तो मम्मी का तो सबके गेट लग गए, गाई सब लोग सो गए। अब बताओ मैं क्या करूँ। और मैंने तीन नंबर, मेरा अनलकी नंबर है यार, और तीन नंबर की टी शर्ट पहन रखी है मैंने। और अब मैं सोच रही थी कुछ खाने का, पर मेरा मन नहीं कर रहा बिकॉज मेरे हाथों में गाइस सच में बहुत पेन है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखो। हाँ जी हाँ जी, कितना रेड हो रहा है आप देख सकते हो, ये वाला भी आप देख सकते हो कितना रेड हो रहा है। तो इसलिए मेरे हैंड्स में बहुत पेन है। तो चलो अब हम सो रहे हैं, फिर मिलेंगे आपसे सुबह, और बहुत जल्दी हम करेंगे कोई प्रैंक व्लॉग। इसके ऊपर नहीं करने वाली इसलिए इसके आगे बोल रही हूँ। तो प्रैंक व्लॉग के आइडियाज़ देते रहना, और देखो मेरा 14 प्रो मैक्स। बाय गाइस, गुड नाइट, लव यू, मॉर्निंग। तो गाइस लड्डू फिर कर रहे हो ना गंदी बात। तो गाइस आज तो हद ही हो गई, आज मैं बहुत लेट उठी हूँ क्योंकि रात को मैं लेट सोई थी, आज मेरी आँख ही नहीं खुली, शायद मैं थक गई होंगी रात को। आज मैं उठी 12 बजे, तो अब तो 1 बज रहा है। और ये घर पर गई थी, ये गए हुए थे बैंक, और आज इनकी पट्टी खुलवाने भी जाना है, पर अब लेट हो गया, 1 बज गए, डॉक्टर चले गए, अब कल अब शाम को जाएंगे खुलवाने। और अब ब्रेकफास्ट करने का भी टाइम नहीं है क्योंकि 1 बज रहे हैं। तो चलो अब खाना डाल के लाती हूँ। खाना रात को हम घर से अरबी की सब्ज़ी लेके आए थे वजीराबाद से, वो भी नहीं खाई, रात को सो गए। इधर आओ, हाय गाइस करो जल्दी, फिर आपको देखो मैंने कहा था ना चीज़ी ला के दूँगी, करो। जब चाची चाची का कोई फ़ोन आए तो उठा के क्या बोलते हैं, क्या बोलना है? चाची नहाने गई है। इसलिए मेरे फोन उठा के ना बोल देता है, मैंने इसको बोला लड्डू फोन उठा के बोल देता है चाची नहाने गई है, ठीक है। और क्या बोलना है? चाची काम कर रही है, अभी मत फोन करो, ठीक है ना। खाना खाना है आपको, ले आऊं? चलो ठीक है गाइस, अब हम खाना खाते हैं, ये भी भूखा है महाराज। देखो खाने में क्या क्या लाई हूँ, देखो इतना सारा लेके आई, देखो अरबी, चने की दाल, मेरा करा। आपके पास इतने सारे फोन कहाँ से आ गए, पैसे कहाँ से आए हैं? अच्छा आओ रोटी खाओ, जल्दी आओ, आओ हॉर्स चला के खा लो। देख सकते हैं दोपहर के 2 बज, कैसे करना जरा फोन रखती गाइस, देखो देखो हमारे घर में 20 रुपए गिलास है, 10 की तो आइसक्रीम मिल रही है। मैं गाइस मैं तो फोन रख रही थी, भैया एकदम ट्रे लेके आ गए जूस के, और मैंगो शेक बने हैं। अभी रुक जा, तो किशमिश खत्म है कि किशमिश वहीं पड़ी है ड्रॉअर में? किशमिश खत्म, एक डब्बे में नहीं, डब बादाम भी और किशमिश भी है, किशमिश है डब्बे में है। मैंने हलवा बनाया था, तो गाइस हमारे मैंगो शेक बनाया और उसमें आइसक्रीम अपने अपने डब्बे सबने बचा रखे हैं, सीधी उसमें डालेंगे जिसे ज्यादा चाहिए। पर अपना मैंने थोड़ी सी बचा, मैंने तो देखो कितनी सारी बचाई है अपने शेक में डालूंगी। ओए ओए ऐसा मत डुआ, अब अम्मी पड़े हुए चुन्नी बांध के अपनी चोट पे। ये वाले व्लॉग कहीं पे एंड करते हैं, और मैंने पहन रखी है इनकी टी शर्ट, इनके कपड़े मुझे फिट आती है इनकी टी शर्ट। और आज शाम को हम जाएंगे डॉक्टर के पास क्योंकि पम्मी को जो पट्टी हुई हुई है वो आज खुलने वाली है ना। आज हम मूवी देखने जाते सारे, बट ना एक हमारे घर में एक आदमी है जिसका नाम काले भाई है, और वो हर प्लान में टांग अड़ाते हैं और कैंसिल करा देते हैं। मैंने कहा भाई शाम को मूवी देखने चलेंगे, कह रहे अरे यार आज मम्मी अकेले नहीं जाएगी, कल पापा होंगे कल चलेंगे। मैं कहाँ, फिर कल पापा क्या थोड़ी सी लगा लेंगे आपके ना, आज मम्मी पापा मूवी रखी है। तो गाइस चलो टाटा बाय, लव यू, ये वाले व्लॉग कहीं पर एंड करते हैं। अगर ये मुझे कहीं ले गए, तकिया लगा के गाड़ी में बैठ गए, क्योंकि आज गाइस मेरे गाड़ी की किस्त वगैरह सब चीज़ कट गई है, तो अब मेरे पास जो पैसे बचे हैं वो सारे शॉपिंग के हैं। नहीं क्या कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो? काम नहीं कर रहे हो? मेरी मैंने इतने जन्मों से शॉपिंग नहीं करी है। अच्छा अच्छा का
जब मिल के शॉपिंग नहीं करी ना 10-12 हज़ार की, तो गाइज आज मैं जाऊंगी कमला नगर शाम को, अगर ये ले गए तो नहीं भी ले गए तो मैं खुद चली जाऊंगी। चली जाऊंगी इसमें क्या है, चली जाऊंगी। तो गाइज आज मैं शाम को जाऊंगी कमला नगर शॉपिंग करने, अगर ये ले गए तो भी और नहीं ले गए तो भी ले जाएंगे, तो भी ले जाएंगे। तुम ही ले जाओगे और कोई ले जाएगा क्या, तेरी यार बहन है तू ही ले जाएगा, तो छाती पर चढ़ जाऊंगी, छाती पर चढ़ के बैठूंगी। जब तो आया ऑटो में भगा भगा, अब थक गो, 2 साल में ही थक गो मेरे से, लड़ाई ना हो रही मुझे लगा बहुत दिन से, इसलिए तुझे डांट रहा है। लड़ू चल जाऊंगी छोड़ के, बता रही हूँ। तो गाइस चलो टाटा बाय बाय, लव यू, फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, बाय। लेके जाएगा लेके आज तो शॉपिंग पे।